मैं अली आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जिला नांदेड़ के बिलोली में निकला आक्रोश मोर्चा, जिसमें सभी धर्म के लोग सैकड़ों की संख्या में उपस्थित थे और उनका कहना था कि देश में कठुआ और उन्नाव जैसी घटनाएं थमने का नाम ही नहीं ले रही है। सिर्फ निषेध से काम नहीं चलेगा बल्कि आरोपियों को फांसी की सजा होनी ही चाहिए। और उन्होंने MNC न्यूज चैनल से बोलते हुए अपनी क्या प्रतिक्रिया दी, आइए डालते हैं नांदेड़ से सैयद रियाज की इस रिपोर्ट पर एक। और आत्महत्या के ऊपर निषेध व्यक्त किया गया और तमाम समाज की ओर से, बिलोली की ओर से भारत सरकार से अपील की गई कि आसिफा के जो कातिल हैं, जो मुजरिम हैं, उनको फांसी की सज़ा सुनाई जाए और आइंदा के लिए कोई ऐसा कड़क कानून बनाए, सख्त कानून बनाए कि छोटे छोटे बच्चों पर जो रेप हो रहा, हत्याएँ हो रही, सरकार इसको रोकने में नाकाम होगी। और मैं भारत सरकार से भी अपील करता हूँ कि आसिफा के घर वालों को ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर मुआवजा दे और उनको आर्थिक व्यवस्था में मदद करे और उनके घर वालों के लिए कुछ सुरक्षा का इंतज़ाम। पे जो रैली और इसका नज़्म रखा गया, हम तमाम बिलोली के जानिब से ये बात जाहिर करना चाहते हैं कि इसी तरह आसिफा के ऊपर और जितनी बच्चियों के ऊपर जो भी रेप केस हो रहे हैं, उनको उनका इंसाफ दिलाने में सरकार जो है उनका मदद करना चाहिए। और हम बिलोली के ओर से सारे लोगों की जानिब से ये बात अपील करते हैं कि इसी तरह आसिफा और इसी तरह जितने लोग बच्चियाँ जिनके ऊपर जुल्म ज़्यादती हो रही है, उनको उनका हक देना चाहिए। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।